आगे बढ़ते हैं। हाउसिंग सेक्टर में 4.6% तक की तेजी देखी गई है और मैजिक ब्रिक्स की एक स्टडी के मुताबिक हाउसिंग सेक्टर में ये तेजी मुंबई, गुरुग्राम और नोएडा जैसे मार्केट में ज्यादा दिखाई दी है। मैजिक ब्रिक्स की इस स्टडी में और क्या क्या निकल कर आया है, हमारी संवाददाता खुशबू तिवारी दे रही हैं तमाम डिटेल्स। जिस तरह की रिकवरी देखने को मिली है वो इस साल की जो पहली तिमाही रही है जनवरी से मार्च की तिमाही, वहाँ पर भी जारी होती हुई दिखाई दी। मैजिक ब्रिक्स ने अपने प्रॉप इंडेक्स रिपोर्ट में कहा है कि तिमाही दर तिमाही अगर कंपेयर करें तो इंडिया में 4.6% हाउसिंग डिमांड बढ़ी है। अगर पिछले साल के इसी तिमाही से तुलना करें तो 6.7% तक का उछाल देखने को मिला है। किन मार्केट्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है, उसमें मुंबई सबसे आगे है जहाँ 15% तक का उछाल देखने को मिला है। इसके साथ ही गुरुग्राम, नोएडा और दिल्ली में भी अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल रही है। सप्लाई साइड में हालांकि थोड़ी सुस्ती ज़रूर है, पूरे इंडिया की बात करें तो सिर्फ 0.3% ही सप्लाई बढ़ा है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। और जिन मार्केट्स में सबसे ज़्यादा सप्लाई आ रही है वो ग्रेटर नोएडा, मुंबई, अहमदाबाद और चेन्नई जैसे मार्केट्स हैं। प्राइजेस में भी उछाल देखने को मिला है। तिमाही दर तिमाही 1.3% चार्जेस जो कीमतें हैं वो बढ़ी हैं घरों के लेकर। और अगर इसी की तुलना हम YoY बेसिस पे करें तो ये भी लगभग 6.5% के आसपास आया हुआ है। अंडर कंस्ट्रक्शन जो घर हैं उन घरों में भी हालांकि तिमाही दर तिमाही में कोई खास उछाल नहीं आया है कीमतों में, लेकिन अगर पिछले साल के सेम जनवरी से मार्च की तिमाही में तुलना करें तो यहाँ पे 10% तक का उछाल देखने को मिला है। साफ है कि जो इनपुट कॉस्ट में बढ़त आ रही है उसका असर देखने को मिल रहा है। हालांकि जो डिमांड है वो उन लोकेलिटीज़ की तरफ से ज़्यादा है जो पेरिफेरी में हैं और साथ ही गेटेड कम्युनिटीज़ में जो हेल्थ सुविधाएँ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है जिनके नज़दीक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हुआ है, उन्हीं लोकेलिटीज़ में सबसे ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है। फ्री ट्रेड समझो